ना सोया होगा है ना, नीचे से। हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम डाइस पासा समझेंगे। और डाइस से बच्चे हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है, मतलब हर एक शिफ्ट में आपको, सीजल के 21 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 21 के 21 शिफ्ट में आपको डाइस का क्वेश्चन मिला है। और ना केवल सीजल बल्कि सीएचएसएल में भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, एमटीएस में भी, सीपीओ में भी। और वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी कि उस टॉपिक के लेटेस्ट सवाल तो आपको करके जाने ही हैं। ये वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 2022 के लेटेस्ट सवाल, आपको मालूम है कि रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल टीम ही एक ऐसा दावा और वादा करती है जो सबसे पहले सॉल्यूशन आप तक पहुंचाती है। इसी वजह से रैंकस गुरुकुल परिवार को आपने इतना प्यार दिया, इसी वजह से रैंकस गुरुकुल परिवार इतना जल्दी ग्रो कर पाया। और अभी तक जिसने प्यार नहीं दिया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमेशा ये वादा हमारा रहेगा कि लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट, क्योंकि बच्चे सिलेक्शन अपडेटेड कंटेंट पढ़ने से होता है। सिलेक्शन किसी चैप्टर से के सीखने से या कोचिंग लेने से नहीं होता, सिलेक्शन अपडेटेड कंटेंट पढ़ने से होता है। ठीक है, कोचिंग में कंसेप्ट सीखे जाते हैं, ठीक है आप पेड बैच में कंसेप्ट सीखते हो, लेकिन उसके साथ साथ अपडेटेड कंटेंट आपको रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ही पढ़ाया जाएगा और हमेशा पढ़ाया जाएगा। अगले साल भी हम अगले साल वाले क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इस साल वाले तो हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो डाइस के कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिले, किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, आजकल किस टाइप के पूछा जा रहा है वो देखो। कई बच्चे बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनको नहीं पता कि क्वेश्चन देखते ही करना क्या है। देखो, जानबूझ के उसने इतना बड़ा पैराग्राफ दिया। कई बच्चे, अगर मैं इसको सिर्फ इंग्लिश में ले आता तो कई बच्चे बोलते सर हिंदी में बताओ। अब ये पढ़ना ही नहीं है, किस क्वेश्चन में पढ़ना है, किस क्वेश्चन में नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है। वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक करो और इस क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दो। गुड इवनिंग सबको, सुमित, विनीत, श्री, आदित्य सर का चेला, तबीयत अब ठीक हो गई भाई। चलो देखो, डेली मेरी 7 बजे क्लास होती है, शाम को 7 बजे मेरी डेली क्लास रहती है। यहां देखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही 100% है किसी एक के अपोजिट पूछेगा। अब आपको सिर्फ इतना पूछना है कि एच के अपोजिट क्या होगा, इस पे पढ़ना है, इतना ध्यान रखना है, ये पढ़ना है एच के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, एच के अपोजिट क्या होगा। अब देखो बच्चे, दो डाइस अगर दे रखें या तीन दे रखें या चार दे रखें, उनमें वो दो डाइस ढूंढ लो, जैसे इसमें तो दो ही दे रखे हैं, अभी थोड़ी देर में तीन भी आएंगे, चार भी जाएंगे, जिसमें एक सिंबल, एक डिजिट, एक नंबर कॉमन है। जैसे इसमें आई कॉमन है, आई कॉमन है, कॉमन से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो। अब आप कहोगे सर एच भी तो कॉमन है, कहोगे अरे भाई ये कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच है, कॉमन कहां हो गया, अलग अलग है दोनों। आई कॉमन है, कॉमन से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज चलो घड़ी की दिशा में, कॉमन से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज चलो घड़ी की दिशा में, कॉमन से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज चलो। आए उसके बाद कैपिटल एच, उसके बाद परसेंटेज, आए उसके बाद कैपिटल एच, उसके बाद परसेंटेज, सेम आए उसके बाद एट द रेट और स्मॉल एच। कैपिटल एच के अपोजिट पूछा था तो कैपिटल एच के अपोजिट हो गया एट द रेट, अगर परसेंटेज के अपोजिट पूछता तो होता स्मॉल एच, और आय के अपोजिट अगर पूछता तो वो सिंबल जो यहां दिखाई नहीं दे रहा, आय के अपोजिट अगर पूछता तो वो सिंबल जो यहां दिखाई नहीं दे रहा, जैसे डॉलर दिखाई नहीं दे रहा, तो आय के अपोजिट हो जाता डॉलर। ठीक है, तो कैपिटल एच के अपोजिट पूछा है तो कैपिटल एच के अपोजिट एट द रेट इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अंजलि, सोनू, मीता, विशाल, हनुमान, सबका बिल्कुल सही है। क्यों फेस पेंटेड कट वाले क्वेश्चन कराओ, बिल्कुल बिल्कुल कराऊंगा गुंजन सिंह, वो भी कराऊंगा जल्दी से। और जिसने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया ना तो जल्दी से फटाफट शेयर कर दो, आ जाओ। उसने पूछा वन के अपोजिट, एक के अपोजिट क्या है, एक के अपोजिट क्या है।
मैंने आपको अभी अभी क्या बोला था, वो दो डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है, वो दो डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है, जैसे पहले दूसरे में पांच कॉमन है। बस एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना है, स्पेशल ध्यान रखना है एक चीज का, किस चीज पे ध्यान रखना है वो समझो। पांच कॉमन है तो पांच से चले और क्लॉकवाइज चल दिया, पांच एक चार, मैंने लिखा पांच एक चार, पांच एक चार लिखा। सेम मैंने यहां पर पांच तीन छह लिखा, पांच लिखा फिर तीन लिखा फिर छह लिखा, पांच लिखा फिर एक लिखा फिर चार लिखा, पांच लिखा फिर तीन लिखा फिर छह लिखा। ठीक है, तो एक के अपोजिट क्या हुआ तीन, चार के अपोजिट क्या हुआ छह, पांच के अपोजिट क्या गया दो। अब एक चीज का स्पेशल ये ध्यान रखना, बाकी जो दो डाइस बच गई उनमें जैसे एक के अपोजिट तीन आया, एक और तीन साथ में नहीं आने चाहिए, जो दिखाई देते हैं वो साथ में होते हैं, एक और तीन दी हुई डाइस में साथ में नहीं होने चाहिए। सेम चार और छह अपोजिट हुआ तो चार और छह साथ में नहीं होने चाहिए, सेम पांच और दो अपोजिट हुआ तो पांच और दो साथ में नहीं दिखाई देने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो फिर उन दो डाइस को ना लेकर के किसी और दो डाइस को लेना होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी तो अब भी आया एक के अपोजिट तीन, ए इज द राइट आंसर, थ्री थ्री बिल्कुल थ्री बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। चलो देखो ये भी बहुत आ रहे हैं कि क्लोज डाइस आपके क्वेश्चन में दे दिया और ओपन डाइस आपके ऑप्शन में दे दिया और आपसे पूछ ला कि ओपन करने के बाद कौन सी डाइस बनेगी। ठीक है, करो भाई जल्दी करो। आ जाओ, इन दोनों में कॉमन क्या है? अब आप कहोगे दोनों में कॉमन है ही नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है। अब अगर जब कोई भी कॉमन नहीं है ऐसे केस में क्या करेंगे, इसमें और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, जब कोई भी कॉमन ना मिले तब क्या करना है? तब एक चीज याद रखना बच्चे, टॉप टॉप के अपोजिट होता है, टॉप टॉप के अपोजिट होता है, नजदीक नजदीक के अपोजिट होता है, नजदीक नजदीक के अपोजिट होता है और दूर दूर के अपोजिट होता है, दूर दूर के अपोजिट होता है। जो ओपन डाइस होती हैं उनमें एक छोड़ करके एक अपोजिट दिया होता है, उनमें एक छोड़ करके एक अपोजिट दिया होता है। ठीक है, जैसे सात और पांच अपोजिट हैं तो क्या यहां पर सात और पांच अपोजिट हैं? हाँ बिल्कुल। चार और तीन अपोजिट हैं, क्या यहां चार और तीन अपोजिट हैं? हाँ बिल्कुल। छह और आठ अपोजिट हैं, तो क्या छह और आठ अपोजिट हैं? हाँ बिल्कुल। सारे के सारे पेयर मिल गए तो ए इज द राइट आंसर, इसमें तो ए ही मिल गया। मैं बाकी ऑप्शन को भी एक बार डिफाइन कर देता हूं, जैसे मैंने आपको कहा सात और पांच अपोजिट है, यहां सात पांच अपोजिट नहीं है, यहां सात के अपोजिट क्या दे रखा है? चार, जबकि सात के अपोजिट है क्या? पांच, और यहां क्या दे रखा है? चार, यानी कि बी गलत। मैं सी ऑप्शन को भी डिफाइन कर देता हूं, सात के अपोजिट पांच है, टॉप टॉप के अपोजिट है, सात के अपोजिट पांच है और यहां सात के अपोजिट क्या दिया है? तीन दिया है, गलत। सेम उसी तरीके से सात के अपोजिट पांच है, सात के अपोजिट पांच है तो यहां सात के अपोजिट क्या दिया है? छह, ये गलत। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों पेयर सात के अपोजिट पांच ये पेयर भी अपोजिट होना चाहिए, चार के अपोजिट तीन ये भी पेयर अपोजिट रहना चाहिए, छह के अपोजिट आठ ये भी पेयर अपोजिट होना चाहिए। जब कोई भी कॉमन नहीं है तो टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट। बात क्लियर हुई अच्छे से? चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि इसमें तो एक सेकंड में जवाब देंगे, एक के अपोजिट क्या है, एक के अपोजिट क्या है? दो। बहुत सारे बच्चे इसको पूरे को पढ़ेंगे, अरे भाई नहीं पढ़ना। ठीक है, सिंपल ये देखो कि इसके अपोजिट है एक के अपोजिट दो, खत्म। इसमें तो एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे, इसका बताओ जल्दी से। नमस्ते भाई नमस्ते।
देखो पांच के अपोजिट क्या होगा, पांच के अपोजिट इन दोनों में देखो, इन दोनों में एक कॉमन है, एक कॉमन है, और कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। तो एक के अपोजिट क्या नहीं दिखाई दे रहा, पांच दिखाई नहीं दे रहा। तो एक के अपोजिट क्या हुआ, पांच, तो पांच के अपोजिट क्या हुआ, एक, एक के अपोजिट पांच और पांच के अपोजिट एक। कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा, तो कॉमन के अपोजिट बच्चे वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा। तो एक के अपोजिट पांच है और पांच के अपोजिट एक है, तो पांच के अपोजिट पूछा है तो पांच के अपोजिट एक, वन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जल्दी से। तीन के अपोजिट, ये चैप्टर अब थोड़ी देर बाद, बेसिक मैंने एक बार बता दिया, थोड़ा और बेसिक के क्वेश्चन कराने के बाद थोड़ा सुपर फास्ट कराएंगे, ठीक है। तीन के अपोजिट, अब देखो कॉमन क्या है, छः, और कॉमन पांच भी है। जब दो कॉमन मिल जाएं, जब दो कॉमन मिल जाएं, अभी तक मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया, एक कॉमन नंबर मिल जाए तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। मैंने एक कंसेप्ट आपको सिखाया, जब कोई भी कॉमन ना हो तो क्या करेंगे, टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट। मैं तीसरा कंसेप्ट बता रहा हूं, जब दो कॉमन मिल जाए, जब दो कॉमन मिल जाए तो दो कॉमन नंबर को हटा दो, दो कॉमन नंबर को हटा दो, जो बच गया वो आपस में अपोजिट है। बच क्या गया, तीन और एक, तीन के अपोजिट एक है, तीन के अपोजिट एक है, तो तीन के अपोजिट पूछा एक। ये तो बात हो गई क्वेश्चन की, अब कंसेप्ट की बात और कर लो। कईयों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर पांच के अपोजिट पूछ लेता तो, बताना एक बार कमेंट सेक्शन में, अगर पांच के अपोजिट पूछ लेता तो हम क्या जवाब देते हैं, क्योंकि अगर दो कॉमन नंबर दे रखे हैं तो क्लॉकवाइज नहीं चलना है, क्लॉकवाइज सिर्फ एक ही कंसेप्ट में चलना है, जब एक कॉमन नंबर दे, एक कॉमन नंबर दे तो क्लॉकवाइज चलना है। तो अगर मैं पांच के अपोजिट पूछ लेता तो आपका क्या जवाब होता, क्या जवाब देते हैं। जय हिंद भाई, जय हिंद। जैसे एक ने अंकिता यादव ने पूछ भी लिया, सर अगर छह के अपोजिट पूछ लेता तो, गोलू सिंह पेड़ बैच का ग्रुप कल बनाऊंगा। रोमी सीएनडी, अंकित सीएनडी, अभी सीएनडी, पांच के सीएनडी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अच्छा दो तीन चार छोटू कुमार सीएनडी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अंकित सीएनडी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अजली बहुत बढ़िया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कभी ऑप्शन में नहीं देगा वो। अगर वो पांच के अपोजिट पूछ लेता तो वो एक ही ऑप्शन में आयदर और रखेगा, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। अब पांच और छह, पांच और छह अपोजिट हैं, तो इसके अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, दिखाई क्या नहीं दे रहा, दो और चार, तो पांच के अपोजिट आयदर टू होगा और फोर होगा, आयदर टू होगा और फोर होगा। द सेम थिंग छह के अपोजिट आयदर टू होगा और फोर होगा, पांच के अपोजिट या तो दो होगा या चार होगा, छह के अपोजिट या तो दो होगा या चार होगा, या ऐसा भी कर देता है कई बार, इन दोनों में से एक ऑप्शन में रखता है, कभी दो रख देता है तो कभी चार रख देता है। बात क्लियर हुई, एक बार फिर से बता रहा हूं, एक कॉमन नंबर में क्या करेंगे, एक कॉमन नंबर से चला और क्लॉकवाइज चल दिया। अच्छे से क्लियर हुआ तो थम्सअप करो, कमेंट में आग लगा दो। उसके बाद एक भी कॉमन नंबर नहीं है तो टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट। उसके बाद अगर दो कॉमन नंबर है तो दो कॉमन नंबर को घर भेज दो, जो बच जाए वो आपस में अपोजिट है, जो बच जाए वो आपस में अपोजिट है, ठीक है। और दो कॉमन नंबर में आपस में वो लागू हो जाता है आइदर और वाला फंडा। चलो थैंक यू स्काई ब्लू, थैंक यू, आप बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर करते हो, थैंक यू। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताया करो, ठीक है। जब मैंने 2012 में टीचिंग में कदम रखा था ना, उस वक्त ना मैंने ये सोचा था कि मैं टीचिंग से मैं पैसा कमाऊंगा, ना मैंने ये सोचा था कि टीचिंग से मेरा नाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ना मैंने भविष्य का फिक्र किया था कि मेरा भविष्य क्या होगा। मैंने सिर्फ एक चीज़ सोची थी, और वो चीज़ सोची थी कि मैं इस मार्कर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करूँगा, मैं स्टेज पे चढ़ जाऊँगा, उसके बाद मैं कभी बच्चों के साथ एक परसेंट, एक
परसेंट तो छोड़ो, 0.001% भी बेईमानी नहीं करूंगा। एक भी ऐसा बैच या ऐसी क्लास नहीं होगी जिसमें मैं बहुत डिटेल में ढंग से ना सिखा पाऊं। सिर्फ एक ही टारगेट रखा था कि बच्चे की भलाई, बच्चे के घर में खुशी, क्योंकि दिलों पर राज करना ही एक एक्चुअल टीचिंग है। आपके घर में खुशी आए, आपका सिलेक्शन हो, इसी वजह से आज तक यही दुआ मांगी है। और लाखों सिलेक्शन देखे हैं, हजारों नहीं लाखों सिलेक्शन देखे हैं। और जब बच्चा खुश होता है ना सिलेक्शन के बाद, वो अलग ही खुशी होती है यार। मतलब उस वो जो इमोशन से बाद में आकर के मिलते हैं, मतलब दिल भर आता है कि यार मतलब बच्चा कितना परेशान था और आज ये बच्चा SI बन चुका है, इंस्पेक्टर बन चुका। वास्तव में इतनी खुशी मिलती है, उस खुशी के आगे सब कुछ पीछे, उसी के लिए जी रहा हूं आज भी, हमेशा उसी के लिए जीता रहूंगा। चलो भाई यहां देखो, इसमें देखो सिंपल सा फंडा है। कॉमन क्या है? कॉमन है तीन 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 पांच एक क्लॉकवाइज, तीन छह दो क्लॉकवाइज, तीन पांच एक क्लॉकवाइज, तीन छह दो क्लॉकवाइज। पांच के अपोजिट छह, एक के अपोजिट दो, तीन के अपोजिट चार, पांच के अपोजिट छह। अब देखो किस में पांच के अपोजिट छह नहीं दिया, पहले में नहीं दिया, पांच के अपोजिट एक दे रखा है। इसमें पांच के अपोजिट छह दे रखा है, पांच के अपोजिट छह दे रखा है, इसमें एक के अपोजिट दो दे रखा है, तीन के अपोजिट चार दे रखा है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई थैंक यू सर, आपकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। थैंक यू भाई। डी फॉर दरभंगा सर, बुक लेनी है। आदित्य रंजन सर की बुक लॉन्च हो गई ऑफलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ऑफलाइन, मुखर्जी नगर में मेरे ऑफिस में मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है भाई, कोई पैसा नहीं लेना। फॉर्मूला बुक प्रिंट करवा करके जिसको लेनी है वो मुखर्जी नगर आए, बत्रा सिनेमा हॉल के सामने, दुर्गा हॉस्पिटल के बगल में, बत्रा सिनेमा हॉल के सामने, दुर्गा हॉस्पिटल के बगल में, लेकिन आए अभी। ठीक है, ये वीडियो कोई छः महीने बाद देखो, उस टाइम नहीं मिल पाएगी। ठीक, हालांकि स्टॉक इतना ज़्यादा प्रिंट करवाया है, इतना ज़्यादा प्रिंट करवाया है कि सब बच्चों को न्योछावर भाई, लेकिन फिर भी वो भी ख़त्म होने वाला है। आज आज में इतनी भीड़ आ गई थी और अभी तो अनाउंसमेंट नहीं की है, तो बस क्लासेज में ही बता रहे हैं। तो जल्दी से आकर के मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा हॉल के सामने, दुर्गा हॉस्पिटल के बगल में, फॉर्मूला बुक बहुत बेहतरीन बुक। आज के मेंस के पेपर में डायरेक्ट 10 क्वेश्चन आए उनके बुक से, डायरेक्ट फॉर्मूला बुक से। चलो आ जाओ भाई, रीजनिंग की बुक आप एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो, एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हो, एप्लीकेशन मालूम ही है आरजी विक्रमजीत। चार कैपिट बताओ भाई, चार कैपिट देखो कॉमन क्या है, दो कॉमन है, दो तीन दो तीन, दो तीन दो तीन कॉमन है, तो चार कैपिट क्या गया पांच, चार कैपिट क्या गया पांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो डी के, कैपिटल डी के अपोजिट बताना है, कैपिटल डी के अपोजिट बताना है। कॉमन एक है, कॉमन एक है, ई कैपिटल डी एफ, ई कैपिटल डी एफ, ई कैपिटल डी एफ, सेम ई स्मॉल एफ डी, ई स्मॉल एफ डी, ई स्मॉल एफ डी, एक कॉमन है, कॉमन से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो। ठीक है, कैपिटल डी के अपोजिट एफ है, कैपिटल डी के अपोजिट स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ है। ए इज द राइट आंसर, ए बहुत बढ़िया जवाब। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो जल्दी से, सी के अपोजिट, अब थोड़ा फास्ट कर लो, सी के अपोजिट ए के, ए कॉमन है, एक कॉमन नंबर से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो। ए एफ सी, ए एफ सी, ए एफ सी, ए एफ सी, ए डी ई, ए डी ई, ए एफ सी, ए डी ई। कई बच्चे क्लास में बहुत बाद में जुड़ते हैं, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती क्या यूट्यूब से? सी के पॉइंट ई, सी के पॉइंट ई, ठीक है, सी के पॉइंट ई है, सी के पॉइंट ई है, सी के पॉइंट ई। चलो डन, नेक्स्ट
नोटिफिकेशन इसलिए नहीं जाती, एक तो शायद चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, दूसरा अगर चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, देखो ये रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, देखो एक ब्रांच सब्सक्राइब करके दिखाता हूँ मैं, जैसे आप सब्सक्राइब करते हो, नहीं किया तो इस पर क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब इतना करने से बात नहीं बनती यूट्यूब पे, उसके बाद ये जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना होता है और इस ऑल पे क्लिक करना होता है, इस पर क्लिक करके इस ऑल पे क्लिक, ये बेल आइकन है इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना होता है, ऑल नोटिफिकेशन, फिर आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाती है और साथ में अपकमिंग क्लास को आप पहले ही रिमाइंडर सेट कर लिया करो, जैसे ये अपकमिंग क्लास है आदित्य रंजन सर की क्लास है नोटिफाई में, है ना, शिवान सर की क्लास है, बहुत बेहतरीन जीएस पढ़ाते हैं, बहुत ढंग से डिटेल में जीएस सिखाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें नोटिफाई में, रसिका मैडम की इंग्लिश है, कन्फ्यूजिंग वर्ब की क्लास है, बहुत बेहतरीन आपको इंग्लिश सिखा रही है नोटिफाई में, ये नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करो, ठीक है, उससे फिर नोटिफिकेशन आती है, फिर आप उसी टाइम पहले ही बैठ जाया करो कॉपी पेन लेकर के, अगले क्वेश्चन में देखो, शुरुआत में चीजें हर टीचर बहुत स्लो और बहुत ढंग से कंसेप्ट सिखाए जाता है, शुरुआत में शुरुआत की वीडियो का पार्ट बहुत जरूरी होता है। चलो नेक्स्ट, आ जाओ भाई, क्यू के अपोजिट पूछा, क्यू के अपोजिट है क्यू, इन दोनों में देखो टी टी कॉमन है, टी टी कॉमन है, कॉमन से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज चलो, टी एस क्यू टी आर यू, बस इस चीज पे तीन डाइस चार डाइस पांच डाइस जब दे रखी हैं तो इस चीज पे ध्यान रखा करो एक चीज का जो मैं बोल रहा हूं क्या, और वो बहुत कम क्वेश्चन में होगा वो चीज, क्या टी से क्लॉकवाइज चले टी एस क्यू टी आर यू, वो क्या ध्यान रखना वो अभी बताऊंगा। तो क्यू के अपोजिट क्या आया यू, तो क्यू के अपोजिट यू, अब ये ध्यान रखना है क्यू के अपोजिट यू, अगली डाइस में क्यू और यू साथ में तो नहीं दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं, क्यू दिख रहा है क्यू नहीं दिख रहा है तो यू दिख रहा है, ठीक है, एस और आर अगली डाइस में एस और आर साथ में तो नहीं दे रखे, जैसे मान लो ये ऐसे आर कर देता है यहां, ठीक है, तो नहीं होता एस के अपोजिट आर, फिर कोई और डाइस लेते हैं, फिर हम कोई और डाइस लेते हैं, इस चीज का जरूर चेक करेंगे क्योंकि बच्चों से गलती हुई है, आर एस के अपोजिट आर, एस और आर साथ में नहीं होनी चाहिए तीसरी डाइस में, सेम टी के अपोजिट, टी के अपोजिट क्या बच गया पी, टी और पी साथ में नहीं है, ठीक है, इसका मतलब अब कंफर्म हुए हैं क्यू के अपोजिट यू है, नहीं तो क्यू के अपोजिट यू नहीं होता। अगले क्वेश्चन का जवाब दो जल्दी से, कोई कॉमन नहीं है, नहीं एक कॉमन है भाई, एल कॉमन है, एल ओ पी कॉमन है, एल एल ओ पी, एल ओ पी लगातार चले क्लॉकवाइज चले, सेम एल एन क्यू, एल एन क्यू क्लॉकवाइज चले भाई, एल ओ पी क्लॉकवाइज चले, एल एन क्यू क्लॉकवाइज चले, एल ओ पी क्लॉकवाइज चले, एल एन क्यू क्लॉकवाइज चले, ठीक है, तो अपोजिट हो गया ओ के अपोजिट एन हो गया, पी के अपोजिट क्यू हो गया और एल के अपोजिट, एल के अपोजिट, अब आपके मन में आएगा कि सर आपने तो ये कहा था कि वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा, अब हमें दो डाइस में कैसे पता चलेगा क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो वो या तो यहां लिखा मिलेगा, जैसे इसमें नहीं लिख रखा कोई भाई लेटर लिख देगा, नहीं लिख रखा तो ऑप्शन में पता चलेगा, तो एल के अपोजिट कुछ भी हो सकता है, वो ऑप्शन बताएगा कि एल के अपोजिट क्या है, एन के अपोजिट ओ होना चाहिए, एन के अपोजिट ओ होना चाहिए और पी के अपोजिट क्यू होना चाहिए, जैसे पहली डाइस में एन के अपोजिट ओ है, पी के अपोजिट क्यू है और एल के अपोजिट एम है, एक तीसरा लेटर है, इसका मतलब ए इज द राइट आंसर, ठीक है, एल के अपोजिट एम ऑप्शन से पता चला है, जैसे ओ के अपोजिट एन है यहाँ ओ एन साथ में है, ओ के अपोजिट एन है यहाँ ओ एन साथ में है, ओ के अपोजिट एन है यहाँ ओ एन साथ में है, तो ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब है। चलो भाई, मेरी क्लास का टाइम डेली 7 बजे होता है, डेली 7 बजे क्लास रहती है, इसको तो जल्दी कर दो भाई, 5 के अपोजिट इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, 5 के अपोजिट 2 भाई, 5 के अपोजिट 2 2 इज द राइट आंसर, ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाएंगे। अगला चलो जल्दी से बताओ, सर यू आर द बेस्ट एज वेल एज योर टीम, सर आपका दिल सबसे अलग है, थैंक यू दीपक कुमार, थैंक यू, बस बस यही चाहिए बस, और सब
कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, बस यही चाहिए, बस आपके दिल में छोटा सा जगह लेकर के छोटी सी जगह बना पाए, इसलिए पढ़ा रहे हैं। हालांकि आपके दिल में कोई और है, बट भाई जो है उसको बहुत बड़ा एरिया दे दो, हमें छोटा सा एक कोना दे दो, ठीक है। उसके लिए तो डेडिकेशन भी आपके लिए आपके पास ज़्यादा होगी, है ना। उसने खाना खाया कि नहीं खाया आपको टेंशन है, उसके जीवन में क्या चल रहा है वो भी आपको टेंशन है, उसके परिवार में क्या चल रहा है वो भी आपको टेंशन है, उसके कुत्ते के जीवन में भी क्या चल रहा है वो भी आपको टेंशन है ना, मतलब पालतू कुत्ता, ठीक है। चलो एन, अब देखो के कॉमन है, के कॉमन है तो के एन ए क्लॉकवाइज चले, के यू डब्ल्यू क्लॉकवाइज चले, के एन ए क्लॉकवाइज चले, के यू डब्ल्यू क्लॉकवाइज चले। एन के अपोजिट क्या आया, यू आया, तो एन के अपोजिट यू, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई, देखो किसके अपोजिट पूछा, पंद्रह के अपोजिट, पंद्रह के अपोजिट पूछा है, तो देखो भाई पंद्रह के अपोजिट कॉमन क्या है, कॉमन है दस, कॉमन दस है, ठीक। दस पच्चीस तीस, दस बीस पंद्रह, दस पच्चीस तीस, दस बीस पंद्रह, तो देखो दस पच्चीस तीस, ठीक है, दस पच्चीस तीस, ऐसी दस बीस पंद्रह, तो किसके अपोजिट पूछा, पंद्रह के अपोजिट, पंद्रह के अपोजिट तीस, फिफ्टीन के अपोजिट थर्टी इज द राइट आंसर, तीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांच के अपोजिट, पांच के अपोजिट, देखो इन दोनों में, इन दोनों में चार चार कॉमन है, चार, चार से स्टार्ट किए क्लॉकवाइज चले, चार से स्टार्ट किए क्लॉकवाइज चले, चार पांच एक, चार पांच एक, चार पांच एक, चार छह दो, चार छह दो, चार पांच एक, चार पांच एक, चार छह दो, चार छह दो, पांच के बीट छह हुआ, एक के बीट दो हुआ, तो चार के बीट क्या बच गया, तीन हुआ, चार के बीट क्या बच गया, तीन हुआ, ठीक है। पांच के बीट छह हुआ, एक के बीट दो हुआ, चार के बीट क्या बच गया, तीन हुआ। अब किसके अपोजिट पूछा था, पांच के बीट, तो पांच के बीट क्या आया, छह। एक नजर यहां जरूर मारनी है कि पांच और छह साथ में तो नहीं है, एक और दो साथ में तो नहीं है, चार और तीन साथ में तो नहीं है। ये नजर मारने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सौ क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन होगा, होगा बहुत कम, बट एक तो होगा, ऐसा होगा जहां पर पांच के पीट छह नहीं होगा, छह के पीट दो नहीं होगा, इस बात का स्पेशली ध्यान रखें। रखोगे ध्यान, बताओ जल्दी से, रखोगे कि नहीं रखोगे, उसका ध्यान रखते हो ना, तो इस बात का भी ध्यान रख लेना भाई। देखो एक के अपोजिट दो, अब यहां समझो ये क्लोज डाइस क्वेश्चन में दे रखे हैं, ओपन डाइस क्वेश्चन में दिया है, क्लोज डाइस ऑप्शन में दिए हैं, बंद पासा ऑप्शन में दे रखे हैं। आपसे पूछेगा कौन सा सही है, इसमें दो कंसेप्ट लगने हैं, नंबर एक अपोजिट की वजह से, और जब अपोजिट की वजह से भी चेक होने के बाद भी सही निकले तो फिर क्लॉकवाइज भी चेक करेंगे। कैसे, समझो इस बात को, चार और तीन डाइस में कॉमन है, चार तो तीन डाइस में कॉमन है। अच्छा पिछले क्वेश्चन में पूछा एक बच्चे, एक ने कहा कि सर चार तो इसमें भी कॉमन है, बच्चे अगर आप तीन डाइस में कॉमन है, चार तीन डाइस में कॉमन है, लेकिन मैंने, आप मेरी बात समझे ही नहीं, दोबारा सुनो भाई, चार तीन डाइस में कॉमन, मैं तो कह रहा हूँ चार चारों डाइस में भी कॉमन मिल सकता है, कोई एक नंबर चारों डाइस में मिल जाए। आपको वो दो डाइस देखनी है जिसमें एक डिजिट कॉमन है, एक सिंगल, जैसे इस और इस डाइस में भी तो चार कॉमन है, लेकिन मेरे भाई चार और एक भी तो कॉमन है, दो कॉमन है पहली और चौथी में,
4141। बात समझे? समझे कि नहीं समझे? 4141 इंपोर्टेंट चार नहीं है, इंपोर्टेंट है एक कॉमन नंबर है। अब आपको किसी बच्चे के मन में यह भी चल रहा होगा, सर तीसरी और चौथी डाइस में छह कॉमन है, मैं तो तीसरी और चौथी देखूंगा। भाई आपको तीसरी चौथी डाइस पसंद है तो तीसरी चौथी डाइस को देख लो भाई, देखा उसी को जाता है जो पसंद हो, उसी को देखते हो ना जो पसंद है। अगर आपको तीसरी और चौथी डाइस पसंद है तो तीसरी और चौथी देख लो, एक ही तो आंसर आना है, 6 3 2, जो पसंद हो उसको देखो, और देखो किसी को, आंसर तो आना ही है। आप इनको देखो तो भी आंसर आना, आप इनको देखो तो भी आंसर आना, जैसे जिंदगी में आप इसको देखो तो भी जिंदगी खुशहाल होनी है, इसको देखो तो भी खुशहाल होनी है कुछ दिन के लिए बस, ठीक है। 6 3 2, 6 4 1, तब भी 4 के बिट 3 आया, तब भी 2 के बिट 1 आया, तब भी 6 के बिट 5 आया, ठीक है। तो आपको जो पसंद हो उसको देख लो, ढंग से देख लो, आ जाओ। क्लास नोट्स आज अपलोड करूंगा राजेश सेरा अभी, ठीक है, आ जाओ। देखो 1 के बिट 2 है, 6 के बिट 4 है, 5 के बिट 3 है। पहला कंसेप्ट क्या लगाएंगे? अपोजिट। 1 के बिट 2 है, 6 के बिट 4 है, 5 के बिट 3 है। ऐसे क्वेश्चन में अपोजिट कभी भी साथ में नहीं हो सकते, अपोजिट कभी भी साथ में नहीं हो सकते। 1 और 2 अपोजिट है, साथ में नहीं आने चाहिए। 1 और 2 अपोजिट है, साथ में नहीं आने चाहिए। जो दिखाई देते हैं वो साथ वाले होते हैं। नेक्स्ट 5 और 3 अपोजिट है, साथ में नहीं आने चाहिए। 5 और 3 अपोजिट है, साथ में नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट 1 और 2 अपोजिट है, साथ में नहीं आने चाहिए। 1 और 2 अपोजिट है, साथ में नहीं आने चाहिए। जब तीन ऑप्शन गलत हो गए तो एक ही बचा। अगर मान लो अपोजिट की वजह से भी दे रखा होता, साथ में दिया होता, तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं। वो क्लॉकवाइज कैसे चलते वो समझते हैं, वो क्लॉकवाइज कैसे चलते वो समझते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो डिटेल में ना चीजें पहले सीखनी बहुत जरूरी होती हैं, और सीखने के लिए ढंग से कंसेप्ट आने चाहिए, और ढंग से कंसेप्ट आने के लिए बढ़िया से आपको पता होना चाहिए। अब बढ़िया से पता कहाँ से होगा? जब आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, सबसे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आरजी विक्रमजीत, या फिर आप लैपटॉप से वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, लैपटॉप से वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, rankersgurukul.com, rankersgurukul.com या फिर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। कोई भी दिक्कत हो तो इन दो नंबरों पे कॉल कर सकते हो, 8506003399। ये रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीके जीएस स्पेशल का कॉम्बो है। कॉम्बो का मतलब ये है कि इसमें आपको रीजनिंग स्पेशल भी मिलेगा, आदित्य रंजन सर का मैथ स्पेशल भी मिलेगा, प्रशांत सोलंकी सर का इंग्लिश स्पेशल भी मिलेगा, और जीके जीएस बेस्ट टीम के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। कॉम्बो का फायदा यह है कि चारों बैच जो 3600 रुपये फीस बनती है वो आपको मात्र 2300 में, मतलब जिस तीन बैच की फीस से भी कम, तीन बैच की फीस से भी कम आपको चारों बैच मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करो। अगर आपको अकेला रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन करना है तो अकेला रीजनिंग स्पेशल भी ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्स में जब आप क्लिक करोगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद पेड कोर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आप अकेला रीजनिंग स्पेशल भी, रीजनिंग के सेक्शन में जा करके रीजनिंग स्पेशल भी ज्वाइन कर सकते हो। रीजनिंग स्पेशल जो है वो 19 जुलाई को स्टार्ट हुआ है। एसएससी, बैंक, यूपीएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर रीजनिंग स्पेशल लाइव चलता है, और बहुत बेहतरीन तरीके से, कंसेप्चुअली बड़े आराम से, शालीनता से मैं आपको रीजनिंग करवाऊंगा। उसकी फीस मात्र 898 फीस है, या फिर आप वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो, रैंकस गुरुकुल, सारे एग्जाम के लिए, फॉर ऑल एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए, क्योंकि आजकल भाई ये रीजनिंग में बड़ा खेल खेल रहा है। खेल क्या खेल रहा है कि भी इसका लेवल बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, इसलिए सारे एग्जाम की रीजनिंग सीखनी बहुत जरूरी है। चलो भाई, कैप्रिशियर क्या नाम है, जय भीम भाई, जय भीम कमेंट कर रहे हैं, लो भाई मैं भी बोल देता हूँ जय भीम, ठीक है।
चलो भाई आ जाओ भाई। नहीं ई बुक में, ई बुक जब आप डाउनलोड करते हो ना बच्चे एप्लीकेशन पर, तो इस साइड एक ऑप्शन आता है जो एप्लीकेशन में डाउनलोड होता है, और इस साइड एक ऑप्शन आता है जो आपके फ़ोन में डाउनलोड होता है। फ़ोन में डाउनलोड करके आपके फ़ोन की मतलब फाइल मैनेजर में जा करके आप उसको ढूंढो। इसमें देखो, इसमें मैक्सिमम बच्चे एक चीज का ध्यान नहीं रखते। क्या ध्यान नहीं रखते? ये नहीं पढ़ते स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है या स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, इस बात पे स्पेशल ध्यान रखना। इस पॉइंट पे ध्यान नहीं करते हैं बच्चे, याद रखना, ध्यान नहीं रहता। एग्जाम का जब प्रेशर होता है ना, तब ये चीजें नहीं ध्यान रहती और यही चीजें मार्क्स कटवा देते हैं। कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। अब देखो, इसमें सिंपल सा फंडा मैंने आपको क्या सिखाया है, वो दो डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। अब पहली दूसरी डाइस देखिए, एक चीज और ध्यान से समझो, मैं वो दो डाइस ढूंढ रहा हूं जिसमें एक डिजिट कॉमन है। मैं क्या ढूंढ रहा हूं? वो दो डाइस जिसमें एक डिजिट कॉमन है। मैंने देखा पहली दूसरी डाइस, पहली दूसरी डाइस कॉमन थे दो, एक दो एक दो, मुझे नहीं मिला। बट भाई हमारे पास कंसेप्ट तो दोनों है ना, एक कॉमन नंबर भी और दो कॉमन नंबर भी। तो मेरे भाई दो कॉमन नंबर वाले कंसेप्ट से तीन के बिट पांच तो आ गया ना भाई। दो कॉमन नंबर वाले कंसेप्ट से हमें क्या पता चला भाई, एक दो कॉमन है, एक दो कॉमन है, तो तीन के बिट तो पांच आ गया। ये दो कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट मैंने लगाया, तीन और पांच अपोजिट हुआ। फिर मैं फिर वो दो डाइस ढूंढ रहा हूं जिसमें एक डिजिट कॉमन है। मैंने दूसरी तीसरी डाइस देखी, जैसे मैंने दूसरी तीसरी डाइस देखी मेरे को दिखाई दिया दो पांच, अरे भाई दो पांच दिखाई दिया, बट छह के अपोजिट तो एक आ गया ना। दो कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट भी तो है ना हमारे पास, तीन के अपोजिट क्या आया पांच, छह के अपोजिट क्या आया एक, चार के अपोजिट क्या आएगा जो बच गया दो, चार के अपोजिट क्या आएगा दो, ठीक है। क्योंकि वो दो डाइस ढूंढने में हो सकता है कई बार ज्यादा टाइम ले, जैसे हमें नहीं पता था कि पहली और तीसरी डाइस में दो कॉमन है, इसी को तो ढूंढ रहे थे। अब दो कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट लगाते गए साथ के साथ और हमारा आंसर आ गया। फिर हमें दो वो दो डाइस ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्लॉकवाइज फिर चलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो अपोजिट तो पता चल गया। अब अगर अपोजिट पता चल गया तो बस ये देखना है, छह के अपोजिट एक है, कौन सा कथन सत्य है, छह के विपरीत एक है, हाँ बिल्कुल छह के विपरीत एक है। दूसरा देखो, पांच के अपोजिट दो है, ना भाई पांच के विपरीत तो तीन है। देखो तीन के बिट छह है, ना भाई तीन के बिट तो पांच है। देखो एक के बिट चार है, ना भाई एक के बिट तो छह है। ए इज द राइट आंसर। सर सर से ही आज मिले, थैंक्स फॉर प्री प्रोवाइडिंग फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक सबके लिए फ्री है। आप फॉर्मूला बुक ब्रह्मास्त्र जो लॉन्च हुई है, बहुत खतरनाक बुक बनी है, बहुत मेहनत लगी है उस बुक को बनाने में। ऐसे नहीं कि फॉर्मूले उठाए और बुक से छाप दिए, बहुत ढंग से रिसर्च किया है। और आपने देखा होगा कि ऐसे ही कोई भी बुक नहीं बनाई जाती, यहाँ पर बहुत ढंग से 6 महीने तक काम किया जाता है, तब जा कर के एक ढंग की बुक प्रिपेयर होती है। फिर उसके बाद बिल्कुल एरर फ्री, टीम ने बहुत अच्छे से काम किया, आदित्य रंजन सर ने खुद दिल से उस बुक को बनाया और दिल से काम किया और बहुत ढंग से उस बुक को लिखा। वो बुक फ्री में ई बुक तो दी, उसके बाद प्रिंट करवा करके भी, पहली बार ऐसा हुआ कि प्रिंट करवा करके बच्चों को फ्री में दी। आज मेंस का पेपर था, आज मेंस का, और उस पेपर में आदित्य रंजन सर, प्रशांत सोलंकी सर खुद गए एग्जाम सेंटर में बच्चों को देने वो बुक। आज तक के इतिहास में किसी भी टीचर ने ऐसा काम नहीं किया है कि एग्जाम सेंटर में जा करके बच्चों को अपनी प्रिंटेबल प्रिंट करवा करके प्रॉपर बुक बना करके बच्चों को फ्री में दे करके आए। और इतना क्रेज था ना वहां पे, कमाल का, मतलब दीवानापन बच्चों में। जैसे ही आदित्य रंजन सर और प्रशांत सोलंकी सर वहां पहुंचे, मतलब अलग ही लेवल का दीवानापन था। उनको फ्री में दी, साथ में मुखर्जी नगर में भी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उसके लिए बत्रा सिनेमा हॉल के सामने दुर्गा हॉस्पिटल के बगल में ऑफिस में आना पड़ेगा। चलो
पीडीएफ आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर है या फिर रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर भी है। रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम पर भी है पीडीएफ। यहाँ देखो, अब देखो इसमें डॉलर एट द रेट एंड क्लॉकवाइज चले, डॉलर परसेंटेज हैस एट द रेट के अपोजिट क्या आया, परसेंटेज। एट द रेट के अपोजिट क्या आया, परसेंटेज। एंड के अपोजिट क्या आया, हैस। पहला गलत, एंड के अपोजिट डॉलर दे रखा है, डॉलर दो बार भी दे रखा है। दूसरा, एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज, दूसरा गलत। एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज, बिल्कुल ठीक। हैस के अपोजिट एंड, बिल्कुल ठीक। डॉलर के अपोजिट नया नंबर, जी बिल्कुल ठीक। सी इज द राइट आंसर। एट द रेट के अपोजिट परसेंटेज, बिल्कुल ठीक। हैस के अपोजिट एंड है, जबकि हैस के अपोजिट यहां क्या दे रखा है, जी गलत। सी इज द राइट आंसर। चलो देखो, दो तरीके हैं दूर वाले बच्चों को। दूर वाले बच्चे जो मुखर्जी नगर नहीं आ सकते, वो आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से पीडीएफ डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करवाओ, प्रिंट करवा करके अपने पास रखो, ठीक है। उसमें एक आपकी कॉस्ट लगेगी प्रिंट करवाने की बस, बट उस वो बुक इतनी महत्वपूर्ण है। या फिर रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम पर वो बुक है, प्रिंट करवा लो अपने पास। या फिर उसको बुक फॉर्मेट में चाहिए तो आप मुखर्जी नगर आ जाओ। अपने यहां देखो, सी के अपोजिट पूछा है, सी के अपोजिट इन दोनों में कॉमन क्या है, बी। बी से स्टार्ट क्या, क्लॉकवाइज चले, बी डी एफ सेम, बी सी ई सी के अपोजिट डी, सी के अपोजिट क्या है, डी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ, कॉमन क्या है, एन और पी भी कॉमन है, दो दो कॉमन है, ठीक है। एन भी कॉमन है और पी भी कॉमन है, तो फिर क्या होगा, अब कैसे करेंगे देखेंगे ना। एल के अपोजिट एम, भाई एल के अपोजिट ओ गलत, ऑप्शन से चलेंगे हम। एल के अपोजिट एम है, एल के अपोजिट ओ दे रखा है गलत, एल के अपोजिट एन दे रखा है गलत, एल के अपोजिट क्यू दे रखा है गलत, एल के अपोजिट एम दे रखा है सही। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें एल के अपोजिट एम होगा, क्योंकि दो कॉमन नंबर में हम पी और एन का डिसाइड नहीं कर सकते। पी के अपोजिट क्या होगा पता नहीं, एन के अपोजिट क्या होगा पता नहीं। यहां हो सकता है एल के अपोजिट एम, पी के अपोजिट कोई नया नंबर क्यू, एन के अपोजिट कोई नया नंबर ओ, नया जो यहां पर यूज ना हुआ हो, वो नया कुछ भी हो सकता है, वो ऑप्शन ही बताएगा बस, वो आपको ऑप्शन से ही पता चलेगा। क्लियर, डन। नेक्स्ट, उसके साथ साथ आप मेरी बुक अगर अपने घर पे मंगाना चाहते हो तो आप आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उस एप्लीकेशन पर आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, या फिर आप फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हो, आप अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिलेगा, अमेजन पे भी आपको मिलेगा। तीन बुक आपको मिलेंगी, एक बुक ये दिखाई देगी जो कि 6500 है, एक बुक आपको बैंकिंग वाली दिखाई देगी, ठीक है, और एक बुक आपको प्रैक्टिस सेट 111 मॉक टेस्ट वाली दिखाई देगी। सारे लेटेस्ट मॉक टेस्ट अब तक की अपडेटेड, सबसे अपडेटेड बुक इससे अपडेटेड मार्केट में आई नहीं है। जब लोग टाइप करवाने की सोचेंगे तब हम लॉन्च कर देते हैं, और जब वो टाइप करवाएंगे तब तक नया एग्जाम आ जाता है, हम फिर नई अपडेट कर देते हैं, और जब तक वो लॉन्च करते हैं तब तक फिर एक और नया एग्जाम हो जाता है, हम फिर अपडेट कर देते हैं। हमसे मार्केट हमेशा 6-7 महीने पीछे रहती है सबसे अपडेटेड 111 मॉक टेस्ट की। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट वाली मंगाओ, अगर आप कंसेप्ट लेटेस्ट प्रीवियस ईयर और बहुत अच्छे अच्छे ढंग के प्रीवियस ईयर और साथ में 10 मॉक टेस्ट इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बाई लैंग्वेज में है,
बाइलिंगुअल में अपडेटेड बुक है, इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, रैंकस गुरुकुल ऑफिशियल। आप चैट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आरजी विक्रमजीत, जिसमें आप अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सको, अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हो आरजी विक्रमजीत। मेरे को फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो आरजी विक्रमजीत, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आरजी विक्रमजीत, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डाइस से भाई इतने ही क्वेश्चन आए थे, इतने ही आए हैं, ठीक। रीजनिंग सेक्शन में जब आप एप्लीकेशन पर जाओगे तो आपको रिकॉर्डेड बैच भी दिखाई देगा। तो अगर आपको जल्दी से सिलेबस करना है और कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, किसी का कुछ वीक रहता कुछ वीक नहीं रहता, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो बट जल्दी पढ़ना चाहते हो, एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार क्लास कर ली, तो आप रिकॉर्डेड बैच में आपको सजेस्ट करूँगा। बहुत ढंग से मैंने इस बैच में क्लासेज अपलोड कर रखी हैं, अपडेटेड सीट मैंने अपलोड कर रखे हैं, 2022 के क्वेश्चन भी अपलोड सीट के थ्रू हो जाएंगे, 2022 की वीडियोज भी अपलोड हो जाएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें भी चलते रहेंगे। तो इसके लिए भी आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपना प्यार बनाए रखें। क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू, ओम साईं राम।